प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति हवा महल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय सहित विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे को लेकर और अधिक जानकारी देने के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अतीक हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी अतीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी के दौरे को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी अतीक। जी विकास, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ JLN मार्ग पर और यहीं पर 2:30 बजे जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रों, उनके आने का जो समय है वो आपसे कुछ देर में यहाँ से गुजरेंगे और वो एयरपोर्ट से लेकर के जब चलेंगे तो वो पहुंचेंगे आमेर महल में, जहां पर उनको ठहरना है। वहां पे तकरीबन ये 3 बजे तक मान लीजिए पहुंच जाएंगे और उसके बाद में 5:15 बजे प्रधानमंत्री जो है उनकी अगवानी करने के लिए जंतर मंतर पर मौजूद रहेंगे। जंतर मंतर से ही जो रोड से वो शुरुआत होगी उसकी, जंतर मंतर से शुरू होने के बाद में त्रिपोलिया पहुंची और त्रिपोलिया के बाद हवा महल पहुंचेगी, ये जो यात्रा रहेगी। इस दौरान ये भी बनाया गया है कि जो हैंडीक्राफ्ट के जो खरीदारी करेंगे जो मैक्रोन है राष्ट्रपति, और इसके अलावा वहीं पर चाय की भी व्यवस्था की गई है कि जो जो वो चाय पियेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों साथ में। यानी कि इस तरीके से जो हमारे जो जयपुर की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको पूरे विश्व को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अगवानी करेंगे और ये कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए एक गौरव का विषय है और ये अपने जयपुर के वासियों के लिए भी बहुत खुशी का विषय है। विकास जी अतीक, भारत और फ्रांस की अगर बात करी जाए तो ये लंबे समय से अच्छे दोस्त भी हैं, तो आज का ये दौरा है जिसमें द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, इसके लिहाज से कितना कुछ ये दौरा महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि जो फ्रांस और भारत की जो समझौते हैं, जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ हैं। यानी कि अगर आप देखिए तो अगर हम पुराने समय से अगर देखते चले आ रहे हो तो जो भारत और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसकी एक वानगी आप यू भी देख सकते हैं कि जब अभी पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति है उन्होंने बढ़ चढ़कर उनकी अगवानी की और उनका स्वागत किया, और इसके अलावा वहां पर जब वो पहुंचे थे तो उनको अपनी जो कल्चरल चीजें हैं उनको दिखाने का कोशिश की, और इसके अलावा जो खान पान है वहां पर जो हमारे भारत जो चीजें जो व्यंजन है समोसा उनको परोसा गया, उसके अलावा जो हमारे यहाँ की जो इस तरीके से व्यंजन थे उनको पेश किए गए। उसी तरीके से जब वो राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो फ्रांस के इस तरीके से व्यंजन है उनको परोसे जाएंगे। यानी अगर हम सामरिक दृष्टि से भी अगर देखें तो कई सारे ऐसे समझौते भी हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये पुराने समय से लेकर जो वर्तमान दौर है ये आने वाले समय में भी भारत और फ्रांस के संबंधों पर एक अच्छी मिसाल पेश करेगी ये यात्रा। जी अतीक, अतीक आपने जयपुर के परकोटे का भी दौरा किया है, जयपुर वासी इस दौरे को लेकर कितने कुछ उत्साहित है? जी अतीक। विकास, हमने जब कुछ नागरिकों से बात की तो वो बहुत खुशी का माहौल उनमें था। उनकी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जब किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष जब हमारे शहर में आता है तो हम अपने आप में फूले नहीं समाते हैं, हमें एक मेहमान नवाजी करने का एक मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा शहर है, हमारे शहर की जो धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, जो कल्चरल चीजें हैं, जो सांस्कृतिक चीजें हैं, उनको हम वैश्विक स्तर पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सबको लेकर के जो जयपुर निवासी हैं उनके भीतर काफी कुछ खुशी का माहौल है इस तरीके से जो दौरा होने वाला है। जी अतीक, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए।